हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूँ सागर और आज के अपने स्टूडियो में हम बात करेंगे अगले हफ्ते यानी कि 8 जून से 12 जून के बीच शेयर बाजार में किस तरीके के संकेत होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कौन कौन सी ऐसी 8 अपडेट है जिसके ऊपर नजर रखनी होगी हमें अगले हफ्तों के लिए। पिछले हफ्ते हमने देखा कि एक जबरदस्त तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया हमारे मार्केट में, और क्या वो तेजी कंटिन्यू रहेगी इन सारी चीजों की भी यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत होती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले अगर हम बात करने की कोशिश करें तो पहली चीज जो सबसे सबके दिमाग में आती हुई दिखाई देगी वो है ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पे जिस तरीके से एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज और खासकर जो दुकानें हैं वो ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुलती हुई दिखाई दी है, लेकिन जो अभी भी रेड जोन का सिलसिला है वो प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है। जिस तरीके से अब यहाँ पर ऑफिसेज, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और साथ ही साथ मंदिर मस्जिद जो भी हैं वो सारी चीज़ें नॉन कंटेनमेंट जोन में भी 8 जून से शुरुआत होती हुई दिखाई दे सकती है उसकी खुलने की। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाने की उम्मीद है, लेकिन किस तरीके से आगे चल के ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, रीओपनिंग है, ये किस तरीके से चलती है और किस तरीके से पूरी चीज़ें आगे के लिए पैन आउट होती हुई दिखाई देती, क्योंकि अब धीरे धीरे जिस तरीके से इंडिया में कोविड-19 के केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो एक प्रॉब्लम वाली चीज़ें दिखाई देती है इकोनॉमी के लिए, कि क्या अगर किसी तरीके की कोई अनसर्टेनिटी आगे चल के आती है तो क्या मार्केट फिर ऊपरी लेवल पर सस्टेन कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि जिस तरीके की तेज़ी मार्केट में देखने को मिल रही है बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग नज़र आती है। लेकिन आगे चल के हम बात करें दूसरे जो उस केस है उसके ऊपर, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोविड-19 की जो नंबर है इनके ऊपर नज़र रखने की। यूएसए अभी भी टॉप पे बना है, लगभग 20 लाख के आसपास के केस होते हुए दिखाई दिए और 1,12,000 डेथ होती हुई दिखाई दे। लेकिन जो अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, डेथ के जो आंकड़े उसमें अब कमी आने की शुरुआत हो गई, यानी कि जो स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो रोज के मरने वालों के आंकड़े थे 3,000 से 4,000 के लोगों के, वो अब घट के 1,000 के आसपास आते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब हमारे देश का जो नंबर है इंडिया का, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6वें नंबर पे हम आते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। इंडिया अब 6वें नंबर पहुँच चुका है, लगभग 2.5 लाख के आसपास केस इंडिया में हो चुके हैं और 7,000 के करीब लोगों ने अपनी जान गंवा दी है यहाँ पर। और रूस है, स्पेन है, यूके है, यहाँ पे भी अब ये सारी चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। स्पेन, यूके, इटली, जर्मनी, ये सारे जो यूरोप के देश है यहाँ पे जो केसेस है वो स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्राज़ील और रसिया, ये दो जगह ऐसे हैं जहाँ पे लगातार केस अभी भी बढ़ रहे हैं और मरने वालों का आंकड़ा तो ब्राज़ील में 36,000 के पार निकल गया और 6,000 के आसपास के आंकड़े जो है रूस में भी पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखने वाली चीज़ ये होगी कि किस तरीके से ये कोविड-19 के केसेस पैन आउट होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है इंडिया में अभी भी किसी तरीके का यहाँ पे टॉप नहीं बना है, तो टॉप बनने में अभी भी टाइम है। और कहा जा रहा है इंडिया में जो पीक आएगा वो जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में आने की संभावना है, तो अभी भी एक महीने का आसानी से यहाँ टाइम बचता हुआ दिखाई दे रहा है। और केसेस अगर इस तरीके से बढ़ते रहे तो फिर आगे चल के क्या फिर से लॉकडाउन का खतरा है, और अगर लॉकडाउन का खतरा फिर से दिखाई देता है तो फिर जबरदस्त तरीके से मार्केट में गिरावट आपको आगे चल के देखने को मिल सकती है, क्योंकि तेजी भी जो हो रही है वो बहुत जबरदस्त तरीके से होती हुई दिखाई दे रही है। तीसरे नंबर पे बात करें तो परसों के लिए, अब जो सोमवार के लिए क्लूज निकल के आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट के, वो भी यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। डाउ जोन्स के नंबर की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, जो अमेरिकी मार्केट की क्लोजिंग देखने को मिली थी 2 से 3% की अच्छी खासी तेजी फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट जो थे वहां पे भी 2 से 3% की अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, और हमारे मार्केट भी 10,300 के ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्यूचर्स लेवल में, और लगभग जो ओपनिंग के चांसेस है 10,300 से 10,400 के बीच कहीं ना कहीं होने के चांसेस है। बैंक निफ्टी में भी 21,000 का लेवल जो था वो पार होता हुआ दिखाई दिया, तो अच्छी खासी तेजी के संकेत जो है ग्लोबल मार्केट से भी सोमवार के लिए जो है वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब क्या ये तेजी जो है अगले हफ्ते टिकती हुई दिखाई देगी, ये देखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। चौथे नंबर पे बात कर लेते हैं तो FOMC US Fed की जो मीट है वो आपको होती हुई दिखाई देगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पूरी दुनिया की नज़र होगी वो 10 जून को इसके कंक्लूजन जो आने वाला है उसके ऊपर होगी। 2 दिन की ये बैठक होगी और उसके बाद फेड चेयरमैन जो जेरोम पावेल है वो बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो लॉकडाउन खत्म होगा उसका इम्पैक्ट किस तरीके से हो सकता है, और साथ ही साथ उनका क्या स्टैंड है इकोनॉमी को लेकर के यूनाइटेड स्टेट्स में, जिस तरीके से ये सारी चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई दी, लेकिन इकोनॉमी रीओपनिंग के कारण अब वहाँ के मार्केट भी जो है वो भागते हुए अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं और बहुत से स्टॉक तो ऐसे जो कि अपना नया हाई लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ मार्केट यहाँ पे ये भी एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि कुछ नए बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम
की भी यहाँ पे जो है अनाउंसमेंट हो सकती है इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होगी, और COVID-19 रिलेटेड पेन को ख़त्म करने के लिए भी यहाँ पे किस तरीके के ऐलान होते हुए दिखाई देंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी मार्केट की कीनली नज़र होती हुई दिखाई देगी। वहीं आगे बात करें तो अब FIIs के डेटा सबसे इम्पॉर्टेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। जिस तरीके से पिछले हफ्ते जून के सीरीज में अगर हम बात करें, 5 दिन हो गए हैं और इस पूरे हफ्ते में एक पॉजिटिव नंबर FIIs के तरफ से देखने को मिले हैं। 1 जून की मैं बात करूं तो 1575 करोड़ की बाइंग देखने को मिली यहाँ FIIs की तरफ से भारतीय बाजारों में। 7498 करोड़ की बाइंग जो है 2 जून को देखने को मिली, 1851 करोड़ की 3 जून को, और 2905 करोड़ की 4 जून को, और 5 जून को जो आंकड़ा आया वो सिर्फ 97 करोड़ के थे। तो टोटल FIIs ने यहाँ पे 13,927 करोड़ की बाइंग जो है 5 दिन में की, और ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है जिसके कारण भारतीय बाजारों में एक तेजी बनती हुई दिखाई दी। क्योंकि मई के महीने में लगभग यहाँ पे FIIs जो थे वो नेट सेलर थे, कुछ बड़ी डील्स को अगर हटा दिया जाए तो उनके जो नंबर्स थे वो लगभग मार्केट में सेलिंग के थे, जिसमें GSK की और HUL की डील थी। तो वो दो चार डीले अगर निकाल दी जाए तो वो सारे सारे जो नंबर्स थे वो FIIs की तरफ से नेगेटिव थे, लेकिन इस बार भी जो पॉजिटिव नंबर देखने को मिल रहा है वो मार्केट में यहाँ पे फ्यूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें से भी कोटक महिंद्रा बैंक की डील और साथ ही साथ जो HDFC लाइफ में जो हिस्सादारी बदली है ब्लॉक डील के जरिए, उसको अगर आप इसमें से निकाल देंगे तो जो आंकड़े हैं 3 से 4 हज़ार करोड़ के आसपास की FIIs की तरफ से बाइंग के दिखेंगे। लेकिन 1600 करोड़ की जो है सेलिंग DIIs की तरफ से यहाँ पे देखने को मिल रही है। जिस तरीके से लगातार DIIs ने निचले लेवल पे बाइंग की थी, तो अब वो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके तरफ से थोड़े बहुत सेलिंग के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर FIIs के नंबर लगातार पॉजिटिव रहते हैं तो फिर यहाँ पे जून के महीने में एक अच्छी खासी तेजी हमको दिखाई दे सकती है, और अगला हफ्ता फिर हम कहीं ना कहीं 10,400 से 10,500 की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो FIIs का पॉजिटिव डेटा होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा भारतीय बाजारों के लिए। छठवें नंबर पे बात करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहली चीज है की अर्निंग अब लास्ट स्टेज पे पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, और ऑलमोस्ट 110 कंपनी है जो इस हफ्ते अपने नतीजे पेश करती हुई दिखाई देगी, जिसमें से टाइटन, हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर, हिंडालको, महिंद्रा एंड महिंद्रा, BHEL, चैलेट होटल्स, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, PVR, बॉम्बे डाइंग, ग्रेफाइट इंडिया, MRPL, टीम लीज, सेंचुरी टेक्सटाइल, इंडियन होटल्स, महानगर गैस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, डिक्सन टेक, रेडिंगटन, सुंदरम फास्टनर्स और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, विनती ऑर्गेनिक्स, और साथ साथ बहुत से ऐसे छोटे और मिड कैप्स कंपनियां हैं जो अपने नतीजे सबसे पेश करेंगे। तो लगभग अब अर्निंग सेशन जो है वो अपने एंड पे आता हुआ दिखाई दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट अगला हफ्ता पैन आउट करने की कोशिश करता है, उसके बाद फिर लगभग अर्निंग सेशन खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ जुलाई का जब चालू होगा तो Q1 के जो नंबर है वो हमको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी माइंड में हमारी होनी चाहिए मार्केट शुरू होने से पहले। सातवें नंबर पे बात करते हैं निफ्टी के टेक्निकल्स के बारे में। पिछले हफ्ते की अगर बात कर ले तो 1.1% के आसपास की जो तेजी थी वो फ्राइडे के सेशन में हमको देखने को मिली 5 जून के दिन, और ऑलमोस्ट 6% जो है वो इंडेक्स पूरे हफ्ते में चलता हुआ दिखाई दिया। मार्केट में बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही, जिस तरीके से एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया 10,100 के ऊपर, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है मार्केट के लिए। लेकिन लगातार वॉलेटिलिटी जो है पिछले कुछ सेशन में जो है वो दिखाई दे रही है आप लोगों की, अच्छी खासी एक रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है, स्टेबल होने की कोशिश कहीं ना कहीं मार्केट की हो रही है 10,000 के ऊपर में। तो मार्केट अगर 10,200 के जो लेवल को डिसाइसिवली पार कर लेता है और बैंक निफ्टी जो है वो अगर 21,000 के ऊपर सस्टेन होता है तो आपको एक ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। SGX निफ्टी का लेवल भी साफ ये दर्शा रहा है कि अगर 10,300 के ऊपर आएगा मार्केट तो फिर जो कहीं ना कहीं मार्केट की जो नेक्स्ट रेंज होगी वो 10,400 से 10,500 के लेवल के आसपास कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे सकती है, जहाँ पर फिर मार्केट को एक रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिखाई देगा। MACD की भी बात करें मोमेंटम ऑसिलेटर के टर्म में तो फ्रेश बाई सिग्नल जो क्रॉस हो रहे हैं वो वीकली चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा। RSI भी जो है वो अब यहाँ पे पॉजिटिव थोड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो भी चीज़ जो है मार्केट को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। तो आगे के हफ्ते में हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है निफ्टी के ऊपर देखने की चीज़ होगी,
जब तक हम 10,000 के ऊपर है, जो मूड है निफ्टी का और माहौल है वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। अब 10,000 या 9,900 के लेवल को डिसाइसिवली तोड़ने के बाद ही जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो फिर से नेगेटिव होता हुआ दिखाई देगा, और उसके बाद फिर हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम 9,600 तक मार्केट में मूव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जब तक 10,000-10,200 के ऊपर है हम पॉजिटिव मूड लेके चलते हुए दिखाई देंगे, और अगर एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो जो स्टॉप लॉस लेवल होगा 10,000 का, वो भी 10,000 से शिफ्ट होकर 10,200 के आसपास करना ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अब जो डाउन साइड है वो भी हमारे लिए एक बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि जितनी तेजी से हम बढ़े हैं पिछले 1-2 हफ्तों में, अगर उसी स्पीड से अगर मार्केट रिवर्स होगा तो गिरावट भी उसी स्पीड से आएगी। बैंक निफ्टी में 4,000 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी हमको पिछले 1-2 हफ्तों में देखने को मिल चुकी है, और ठीक है उसी तरीके से लगभग 1,000-1,200 पॉइंट की तेजी जो है निफ्टी में देखने को मिल चुकी है। तो सारी चीज़ें जो है वो कॉशियस होकर हमें अपनी पोजिशन लेनी होगी, क्योंकि मार्केट अब लगातार कितने दिन तक चलता है ये कहना मुश्किल होगा। कोई भी नीचे रिएक्शन मार्केट में एक सेल ऑफ ट्रिगर करवा सकता है। 7वें नंबर पे ये चार इंपॉर्टेंट चीज हमको ध्यान में देने वाली है। लेकिन 8वें नंबर पे हम बात करते हैं, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी सप्ते होती हुई दिखाई देगी, जो 11 जून को होती हुई दिखाई देगी। मैक्सिमम कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ आपको दिखाई देगा वो 10,300 के कॉल पे है, और 9,800 पे वीकली पुट पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट आपको खड़ा दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट की रेंज मान के चली जाएगी इस हफ्ते के लिए 10,300 से 9,800 के बीच, लेकिन जिस भी साइड मार्केट तोड़ेगा उस साइड एक थोड़ा बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है। जो उम्मीद है वो पॉजिटिव साइड में ज़्यादा है, नीचे साइड में कम है। पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पे 9,900-10,000 के प्राइस पे अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है कि मार्केट कहीं ना कहीं 9,900-10,000 को बचाने की कोशिश करेगा और सपोर्ट जोन की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। कॉल राइटर्स जो है वो 10,300 के स्ट्राइक प्राइस पर एक्टिव है, लेकिन 10,300 के निकलने के बाद 10,100-200-300 के जो कॉल राइटर्स होंगे वो भी फंसते हुए दिखाई देंगे, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखने वाली होगी। और 10,300 के निकलने के बाद कहीं ना कहीं 10,400-10,500 तक का एक लेवल खुलता हुआ दिखाई देगा, जहाँ फिर नया रेजिस्टेंस निफ्टी को लगता हुआ दिखाई देगा। जो ब्रॉडर रेंज है हमने बात की 9,800 से 10,300 के बीच होती हुई दिखाई देगी। इंडिया विक्स में भी अच्छी खासी निचले लेवल तक गिरावट देखने को मिली, और 30 के नीचे अब जो है इंडिया विक्स आता हुआ दिखाई दिया है 28.5 के आसपास। तो इंडिया विक्स में गिरावट एक पॉजिटिव संकेत है कि कहीं ना कहीं जो वॉलेटिलिटी है मार्केट में अब वो कम होती हुई दिखाई दे रही है, और इससे जो बुल्स का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा कि आगे चल के हो सकता है कुछ कंफर्ट स्टेबिलिटी मार्केट में दिखाई दे, और जो मार्केट की जो बड़ी रेंज है वो अब थोड़ी छोटी होती हुई दिखाई दे, और जो इंट्राडे में वॉलेटिलिटी होती है बड़ी या जो ओवरनाइट इन वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है मार्केट्स में, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा कूल ऑफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होती हुई दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि COVID-19 के जो नंबर जिसको मार्केट लगातार फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का सरप्राइज आता है नेगेटिव साइड में तो वो फिर मार्केट के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, और इन सारी चीज़ों पे नज़र रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी कि आगे चल के COVID-19 के जो नंबर है वो किस तरीके से होते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि लगातार जो पहले भारत में जो आंकड़े थे दिन के 2,000-3,000 के आसपास बढ़े थे, लेकिन अब जो रोज़ के आंकड़े हैं कहीं ना कहीं 8,000 से 10,000 के रोज के आंकड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर ये आंकड़े इसी स्पीड से बढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली फिर ये जो इंडिया के लिए है वो चीज़ पॉजिटिव नहीं होगी, क्योंकि पूरे दुनिया भर में तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पीक आउट होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी इंडिया में इसका पीक नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ भी जो है मार्केट को इफेक्ट करते हुए किसी भी वक्त दिखाई दे सकती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशन मार्केट में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एकदम एग्रेसिव बाइंग करने की कोशिश या भागते हुए किसी भी प्राइस पर एंट्री करने की कोशिश फिर आप लोगों के लिए गलत हो सकती है, और फिर महंगे प्राइस पर अगर हम खरीदेंगे तो हो सकता है सेकेंड बार हमको एग्जिट ना मिले या कुछ दिन हम फंसते हुए दिखाई दे और उसके बाद हमारे स्टॉप लॉस भी कटेंगे, तो उस कंडीशन में फिर लॉस बुक करना मजबूरी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी मार्केट में। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।